अब ऐसे में माउंट किस्को में रहने वाले इस टॉबी मार्शल के बारे में थोड़ी छानबीन कर रहा था। ये बंदा कमाल था, लोकल सर्किट्स में आग लगा देता था। वो और उसके डैड सच कहूं तो बिल्कुल चैंपियंस ही थे। अब ऐसे माउंट किस्को में एक और महान रेसर था, डीनो ब्रूस्टर। हम सब डीनो को जानते हैं, उसने कई बड़ी लीग्स में रेस किया है जैसे इंडी, और टॉबी को सब ने जैसे भुला सा दिया था। अब मैं देता हूं एक ब्रेकिंग न्यूज, टॉबी फिर से रेस करने लगा है, और वो भी तेज, एकदम तेज, इतना तेज मानो हवा से बातें करता हो। टॉबी, अगर तुम्हें हवा के साथ उड़ना है तो तुम्हें एक बेमिसाल गाड़ी की जरूरत होगी। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर टॉबी मार्शल को अपने टक्कर की गाड़ी मिल जाए तो वो डी लियोन लीग में सबकी बैंड बजा देगा। इसका प्रेशर 4 गुना बढ़ा दो। ठीक है, नहीं 3 गुना बढ़ा दो। नहीं, 2 ठीक रहेगा। एक बार बोलो कि कितना करना है, 2, 3 या 4? वही दो। यो गाइस, तुझे पिटने का मन कर रहा है क्या? 2 गुना। थैंक यू गाइस। जो जो जरा एक बार ये देख लिया, मोनार्क तो बकते जा रहा है। आप बोलिए। इस ऑरेंज से टैरल बोल रहा हूँ। तुम भला एक थर्ड क्लास ट्रस्ट से डी लियोन में पैसे कैसे लगाने दे सकते हो? मतलब उसकी औकात नहीं है कि वो करोड़ रुपए की गाड़ियों के साथ ऐश करे यार। कॉलर, ये क्या मामला कम है? हमें 50 लाख डॉलर की बात कर रहे हैं। मतलब तुम्हारे बाप ने कभी तुम्हारी भलाई की? देखा, तभी तो मैं कहता हूँ कभी कभी बच्चों को मारना जरूरी होता है। टैरल, ये मेरा शो है, तुम यहाँ चुप करो, मेरी बात सुनो। टैरल, एक सवाल पूछना है। तुमने कभी कोई रेस कार चलाई है? मैंने सही सोचा था। मैं आप सबको समझा दूं ये शो कैसे काम करता है एक आखिरी बार। ये कार रेस मेरी है, ये डी लियोन है, इसे मैंने बनाया, ये बहुत ही खास है दोस्तों, शानदार। मैं फैसला करूंगा इस रेस में किसे मौका मिलेगा और किसे नहीं। ओके, क्या चल रहा है यहाँ? फ्लाइंग हवाइयन ने एरिजोना डेजर्ट में स्टीव हैवी शेवी को हरा। क्या? शायद एक वाइल्ड कार्ड की तरह आसम, शायद। ये नहीं कह रहा वो आ पाएगा, लेकिन उम्मीद है। वो कौन था? वो बस मेरे डैड के पुराने कस्टमर थे। ओह, मैंने उन्हें पहचाना नहीं। हाँ, वो शायद फ्राइडे को अपनी कार लेकर आएंगे। प्रॉब्लम क्या है? वही तो पता लगाना है। मैं आज रात की रेस के बारे में सोच रहा था, हमें वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए। 5 गाड़ियाँ और जीतने वाले को कितना मिलेगा? 5,000। कैसा है? अच्छा यार है। हाँ, पता है, मोनार्क ने पहले तुझे भाव दिया, फिर पूरा भाव गिरा दिया। हाँ हाँ, पता है। चल छोड़ यार, मोनार्क जब तेरी बात कर रहा था मुझे एक नजारा दिखा। फिर से शुरू हो गए। चुप रहो, समझे, मुझे इसकी बातें अच्छी लगती हैं। पीट, तू बता यार। मैंने देखा पानी और धूप और तेरी बिकिनी में। अबे चुप रहे। मैंने टोबी को एक लाइट हाउस को घूरते देखा, फिर तुझे देखा, और तो डी लियोन जीतने वाला। अच्छा। सुन, हिम्मत बढ़ाने के लिए थैंक्स पीट, पर आज रात मेरा दिमाग सिर्फ और सिर्फ जिमी मैकिंटॉश को हराने में लगा हुआ है, और तुझे भी, इसलिए प्लीज। ओ यार, मेरी बहन और डीनो आ गए, उसने मुझे बताया नहीं कि वो आने वाली है। टोबी, आई एम सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं, उसे डीनो के साथ नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये गधा यहाँ कर क्या रहा है यार? शायद ये देखने आया हो कि असली रेसर कैसे ड्राइव करते हैं। डीनो ऑलरेडी इंडी रेसेस कर चुका है, उससे बड़ा क्या हो सकता है। यार टोबी, मेरी बात सुन, यहाँ से चल, इसके चक्कर नहीं। कोई बात नहीं,
तो बॉयज रेस शुरू होने वाली है। मैं तुझे निकलना चाहिए। जो मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं जाना चाहता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि तूने मुझे कहा है। समझ गया ना? ओके, प्यार से धमकी देना भी तुझसे सीखा। जैकेट बढ़िया है दोस्त। हाय गाइस, हाय पीट, कैसे हो? अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? बढ़िया। आज रात रेस कर रहे हो? हाँ। संभाल के चलाना। ओके ओके। हाय टोबी। अनीता, तुम्हारे डैड के बारे में सुनकर अफसोस हुआ। तुम्हें मेरा बुके मिला था ना? हाँ। और पीट का ख्याल रखने के लिए थैंक यू। वो बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा है। शॉप कैसी चल रही है? शॉप सही है, अच्छी है। अच्छा, शहर की लाइफ कैसी है? मेरी उम्मीद से बहुत अलग है, लेकिन यहाँ जैसा नहीं है। क्यों, अभी भी तुम्हें माउंट किसको पसंद नहीं है? दरअसल डीनो को तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओ, तो ये बात लेकिन है। लेकिन रेस के बाद, वरना तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तुम्हें मैनहट्टन में ही रहना चाहिए था। अच्छी लग रही हो। कैसा लग रहा है? बढ़िया। रास्ते खाली करवा दिए? बिल्कुल खाली है। हम फिनिश लाइन पर हैं और बेनी सेस्ना में है। लायर वन, तुम तैयार हो? तुम्हें और कोई नाम नहीं मिला क्या? क्योंकि तू सबको कहता रहता है कि तू अपाची हेलीकॉप्टर उड़ाया करता था। मैंने एक अपाची हेलीकॉप्टर चलाया था, समझे? मैंने बस यही कहा। जानता हूँ तू यही कहने वाला था, बस हमें तुझ पर यकीन नहीं है। कम ऑन यार, मैं क्रू चीफ हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे फ्लाई करना नहीं आता। मैं जो करता हूँ उसके लिए सीने में दम और रगों में हिम्मत चाहिए, इसीलिए जरा इज्जत से बात करो। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। ठीक है, बहुत बकवास हो गई, बताओ स्टेटस क्या है लायर वन? रास्ता साफ है, तू मुझे अब आवारा कहेगा? आवारा बोल दे वरना मैं तेरी वाट लगा दूंगा। क्या मैं देख सकता हूं? ट्रैफिक है,
बच गया। किस्मत अच्छी थी। ये किस्मत नहीं, उसका टैलेंट है। हाथ गाड़ी की वाट लगा दी। जीत की खुशी में पार्टी शार्टी करेंगे। हेलो टोबी, तूने तो सबकी बैंड बजा दी। बनी, मजा आ गया। मुझे लगा तू उसे हराएगा। हाँ, बस जीतते जीतते रह गया। तू कहाँ था यार, तेरी याद आ रही थी। अबे कहाँ गया से क्या मतलब, उड़ते हुए नजर रख रहा था। मैंने उस फिरकी नहीं देखा। अच्छा तो तुम लोग मेरी फिरकी ले रहे हो। मैंने तो नहीं देखा। तूने देखा? मुझे लगता है कि तुम्हें उस शॉपिंग कार्ट वाले आदमी ने उड़ते हुए देखा। लो मेरी बात लगानी शुरू कर दी। तो मुझे पुलिस वालों पर नजर रखनी थी, प्लेन उड़ाना था, ध्यान रखना था कि तुम्हें रास्ता साफ मिले, और अचानक बाहर निकलते बेघर लोगों पर भी नजर रखनी थी। काफी अच्छी ड्राइविंग की, तुम तो छा गए। टोबी मार्शल, माउंट किस्को का बेस्ट रेसर। तुम्हारे डैड के बारे में सुनकर बुरा लगा। जानता हूं तुम उनके बहुत करीब थे। तू तो कहीं गायब हो गया था ना? क्या मेरा मतलब है, मैंने तुझे काफी टाइम से रेस ट्रैक पर नहीं देखा तो लगा तू गायब हो गया। मतलब आज भी वही हालात है। 10 साल बाद भी तुम मुझसे बिना वजह झगड़ना चाहते हो। टोबी क्या चाहता है? मैं चाहता हूं तुम एक बढ़िया कार बनाओ। मैं दिन भर सिर्फ कार्स ही बनाता हूं। दिनों हाँ,
गुजारा तो हो ही जाता होगा, है ना? मैं तुम्हारी बेइज्जती करने नहीं आया, बिजनेस प्रपोजल लेके आया हूं। शायद तुम्हारी किस्मत बदल जाए। हमें सपने दिखा रहे हो डीनो? यहां से जाने के बाद मैंने कई रेसिंग कार मॉडिफाई करने की शॉप देखी है, पर तुम्हारे जैसा काम मैंने कहीं नहीं देखा। वो सब इनका काम है, मेरा नहीं। मेरे पास एक खास कार है जिसे तुम्हें मॉडिफाई करना है। तुम किस कार की बात कर रहे हो? फोर्ड मस्टैंग। मस्टैंग? ये वही फोर्ड है जो कैरल शेल्बी बना रहा था जब उसकी मौत हुई। तुझे वो कैसे मिली? मिस्टर शेल्बी और मेरे अंकल दोस्त हैं। तुम मेरी मस्टैंग को उसी तरह बनाओ जैसे तुमने ग्रैंड टोरिनो बनाई थी। कार जितने में बिकेगी उसका 1/4 तुम्हें मिलेगा। 1/4? कार की कॉस्ट $20,00,000 कम से कम, यानी तुम्हारी जेब में $5,00,000 आएंगे। पुरानी बातें हम भूल भी जाओ तो भी रात गई बात गई। मैं तो यहां तुमसे दोस्ती करने आया हूं और पैसे कमाने। मुझे कोई जल्दी नहीं है, सोच के बता देना। सोचने की जरूरत नहीं है, काम हो जाएगा। तो ठीक है, मैं कल ही कार ले आऊंगा। अब जब यहां से चला गया मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूं। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू चाहता है डीनो ब्रूस्टर के लिए काम करे? होश में है तू? तूने ये सोचा भी कैसे टोबी? उस घटिया आदमी के लिए हम लोग काम करेंगे क्या? देख, अगर ये अनीता के बारे में है और उसे वापस लाने की कोशिश है तो कोई और तरीका सोच ले भाई। शायरी सुना देना या फूल दे देना, कसम से मैं तेरी मदद करूंगा। डियर अनीता, तुम ही मेरी दुनिया हो अनीता, मेरा सब कुछ अनीता। और ये मैंने अभी अभी बनाया, अभी बनाया। हे टोबी, उस डफर और उसकी बकवास को भूल जा, ठीक है? डीनो से कह देना हम उसके बिना भी अच्छा कर रहे हैं। नहीं यार, सुना, अपने हालात अच्छे नहीं है। देखो, मैंने एक लोन लिया था और जो आज सुबह आदमी मुझसे मिलने आया था वो बैंक का ऑफिशियल था और वो यहां बार बार आएगा। टोबी, अगर तुम्हें उसकी जरूरत है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। रुको, हमने आज 5,000 कमाए हैं, उसमें से इस महीने की पेमेंट तो हो ही जाएगी। अगले महीने का क्या? कुछ सोच लेंगे जैसा हमेशा करते हैं। इस बार हालात अलग हैं। अगर तुम लोग कल उस कार पर काम करने के लिए नहीं आए तो ये जगह हाथ से चली जाएगी। हे कम ऑन गाइस, ये कैरल शेल्बी वाली कार है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। हम ये करेंगे, ठीक है? टोबी के लिए कल सुबह 9:30 लेट मत होना। तू चीटिंग कर रहा है यार, चीटिंग बंद कर। तू खेल नहीं पा रहा। कार आ गई। क्या बात है, क्या बात है। ओए, कार का बाकी हिस्सा कहाँ है? बहुत काम करना पड़ेगा।
क्या तुम्हें वो कार पसंद आई? अच्छा, हमने बनाई है। ओ, तो तुम मैकेनिक हो? लड़की पटा रहा है या भगा रहा है? Hey, तुम्हें वो कार पसंद आई? मुझे जाने दे। Excuse me, thank you. हमने बनाई है। हम मैकेनिक्स हैं। बोर क्यों कर रहे हैं? हमें अपने हाथ गंदे करने से डर नहीं लगता। मतलब समझ रही हो? He is very irritating. पता नहीं ये तू क्या? कार पसंद आई? ये कितनी तेज चलती है? तेज? बहुत तेज। मैं हूँ पीट। सारी मस्टैंग्स तेज होती है ना? वैसे इसे फोर्ड ने बनाया था और कैरल शेल्बी ने डिजाइन किया था, जो कि अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे बड़े कार डिजाइनर हैं। ये यहाँ की नहीं है पीट, इसलिए शायद ये नहीं जानती कि आखिर कैरल शेल्बी कौन है। लेकिन ये इतनी तेज चलती कैसे है? 900 हॉर्स पावर की वजह से। क्या इतना काफी होता है? तुम मजाक कर रही हो पीट। देखो मिस, ये ऐसी कार नहीं है जिसे शोरूम से खरीदा जा सकता है। ये अपनी तरह की इकलौती कार है। क्या इसका इंजन देख सकती हूँ? श्योर। .8 लीटर एल्यूमिनियम ब्लॉक SVT सुपरचार्जर और रेसिंग हेडर्स। काफी अच्छा लग रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। और मुझे भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और मैं इंग्लैंड से हूँ। मिस्टर शेल्बी की पहली कोबरा इंग्लैंड में बनी AC बॉडी से बनाई गई थी और उसमें एक 4260 CID V8 इंजन था। ऑफ कोर्स तुम्हें पता होगा, जिंदगी में सरप्राइजेस की कमी नहीं है। मुझे तो जिंदगी में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अपना ज्ञान झाड़कर दूसरों को इम्प्रेस करते हैं। बुरा मत मानना। मैंने मान लिया। वैसे मुझे इंग्लैंड बहुत पसंद है। तो क्या हमेशा ऐसा ही होता है कि तुम चुप रहते हो और सुनते रहते हो और तुम हमेशा बकवास जोक मारते रहते हो? Hey, Jules. इसके लिए $30,00,000 बहुत ज्यादा है। इसकी कीमत यही है? देखते हैं इंग्रम को क्या लगता है। इंग्रम के फैसले मैं करती हूँ और उसके लिए 20 लाख सही है। लेकिन इसका दाम 30 लाख है। 30 में नहीं बिकेगी, इसलिए किसी ने बोली नहीं लगाई। इंडी के बाद मैंने इससे अच्छी गाड़ी नहीं चलाई। तुमने इसे चलाया ही नहीं है डीनो, चाबी तो टोबी के पास है। मैं अपने कान बंद कर लेती हूँ, तब तक तुम लोग ये डिसाइड कर लो तुम लोग को कहना क्या है। टॉप स्पीड क्या है? 230। ये किताबी टॉप स्पीड की बात कर रहा है। तुम ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन बेहतर होगा मिस्टर स्ट्रॉन्ग और साइलेंट तुम अपना मुंह खोलो। ये 230 तक जाएगी। अब तक के टॉप नेस्का स्पीड 228 है। ये कार उससे तेज है। कल सुबह 8 बजे शेपर्टन। अगर तुम इस कार को 230 के करीब भी भगा पाए तो इंग्रम इसे उसी वक्त खरीद लेगा। वो भी 30 लाख में? 30 लाख या उसके आसपास। वैसे तो 20 में ही। गुड नाइट गाइस। बाय। 230? दिमाग तो ठीक है, अगर उतना नहीं भगा पाए तो? शायद तुम ये नहीं कर सकते हो, पर मैं कर सकता हूँ। मैं ड्राइव करूंगा। उस कार को चलाने के बारे में सोचना भी मत।
कैसे हुई? ये तुम्हारी कार नहीं है, तुम इसे ऐसे नहीं चला सकते। टॉप स्पीड ऑलमोस्ट 234। 234? इसके हिसाब से। हे, कमाल की ड्राइविंग थी, और वाकई एक बहुत कमाल की कार है। इसके मुझे $30,00,000 देने पड़ेंगे। कीमत तो यही है। $27,00,000। $27,00,000? इतना खुश होने की जरूरत नहीं। कार बिक गई ना दीनो। तुम उसे 230 तक नहीं ले जा पाते, इस ट्रैक पर भी नहीं। तुझे क्या लगता है, तुम मुझसे अच्छी गाड़ी चलाता है? ये तो सब जानते हैं, ये तुमसे बेहतर ड्राइवर है। तेरी जबान बहुत चलती है पीठ। पीछे हट दीनो। तू जहां बोलेगा वहां हराऊंगा, मिट्टी पर, रास्ते पर, बोल कहां रेस लगाएगा। तू ग्रेट है, ओके? तू मस्त रेसर है, तुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, नहीं। भूल जा। नहीं, रेस करते ना। तू जीता तो अपना 75% भी तुझे दे दूंगा, और अगर तू हारा तो अपने 25% भूल जाना। अगर तू यही चाहता है तो मैंने इससे बड़ा घर आज तक नहीं देखा। मेरे अंकल का घर है, टेंशन मत लो, वो मुनाको में। यूनाइटेड स्टेट्स में इन्हें रखना गैर कानूनी है। ये सारी यूरोप के मुताबिक बनाई गई कार्स हैं, तो ये होके भी यहाँ नहीं है। ये फरारी जैसी हैं क्या? कोनिग्सेग अगीरार, टॉप स्पीड 270 miles an hour। पर डीनो, मुझे तो लगा तुम 180 से तेज नहीं चलाते। तेरी सोच बहुत छोटी है मेरे यार। अच्छा, तो मुझे रेस करने दो। हाँ, तुझे हराने में मजा आएगा। बढ़िया, मैं तैयार हूँ। वो, 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 हे, तू हमारे बीच मत पड़। जो भी, पीठ बड़ा हो गया। 3-1 जैसी अगेरा कार है। चल उठा। फिनिश लाइन ब्रिज के आखिर में है, 684 हाईवे पर। दूसरी तरफ जो पहले पहुंचेगा वो जीतेगा। टोबी, मैंने यही नजारा देखा। मैंने तुम्हें इसी से डी लियोन जीतते हुए देखा था। तुम डीनो को हरा कर उसकी कार से जीतोगे।
us there, Pete. मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। निराश मत होना, क्योंकि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ है। जिन्हें भी तुम्हारे प्रति बैर था, उन्हें शर्मिंदा किया जाएगा, अपमानित किया जाएगा। उनकी हस्तियां मिट जाएंगी जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ लड़ाई लड़ी, क्योंकि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के कहूंगा, डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक बार फिर से जरा चर्चा कर ले मिस्टर मार्शल। कुछ विटनेसेस ने कहा है उन्होंने शायद तीन गाड़ियां देखी थी, लेकिन हमें तीसरी गाड़ी नहीं मिल रही। क्यों ना तुम डायग्राम बनाकर दिखाओ कि वो तीसरी गाड़ी कहां पर थी। मैं उन दोनों से काफी आगे था और पीट मेरे पीछे था और डीनो उसके पीछे था। डीनो ने पीट की कार को ठोका और फिर वो, ये सब डीनो की वजह से हुआ। डीनो के दो विटनेसेस कहते हैं कि वो दिन भर उनके साथ थे। और ब्रूस्टर मोटर्स के मालिक ने पिछले ही हफ्ते चोरी हुई दो गाड़ियों की रिपोर्ट लिखवाई, एक्सीडेंट वाली जगह पर पुलिस के पहुंचने से सिर्फ 7 मिनट पहले। वो उसके अंकल है, वो झूठ बोल रहे हैं। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, डीनो वहां था। मिस्टर मार्शल, सिर्फ तुमने ही डीनो को उस जगह पर देखा था। ये नहीं हो सकता, ये गलत है पीट, ये नहीं हो सकता। Millennium speaking.
यहाँ साइन करो। मिस्टर इंग्रम, टोबी मार्शल, मुझे डीलियन में रेस करने के लिए आपकी मस्टैंग चाहिए। क्या कहा तुमने? तुमने डीलियन में मेरी मस्टैंग चलानी है, इससे मुझे क्या फायदा होगा? जीतने के बाद आधी कार साहब की, जिनकी कीमत 40 लाख है। सोच के बताता हूँ, जूलिया से बात करनी होगी। अरे कैसी लाइन में खड़े हो जाओ, हाँ एक लाइन में खड़े हो जाओ और अब धीरे धीरे चलो। चबे, कैसा है मेरे यार? जो तैयार है। वो ट्रक लेके अभी से निकल गया है, अगर सब ठीक रहा तो हम आगे निकल सकते हैं। फिन कहाँ है? उसे अब तक मना नहीं पाए पर मना लेंगे। वो फिन है यार, सबसे अच्छी बात कि हमारे पास गाड़ी है। 1 घंटे में पता चल जाएगा। को यहां लाने के लिए थैंक्स। मिस्टर इंग्रम को भी थैंक्स कहना प्लीज। तो क्या लगता है, क्या ये अमेरिकन कार डेलियन जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी। तुम्हें तो इनवाइट भी नहीं किया गया। मोनार्क इस कार को जरूर अपनी रेस में चाहेगा। जब तक इनवाइट ना किया जाए तब तक पता नहीं चलता कि रेस कहां होती है। तो तुम इसे एग्जैक्टली कहां ड्राइव करने वाले हो? वैसे खबर तो यह है कि रेस कैलिफोर्निया में होगी, किस जगह ये नहीं जानते। और हम ये भी जानते हैं कि उस रेस में एक ड्राइवर है जो ओके मुंबन। कैलिफोर्निया काफी बड़ा स्टेट है और तुम तो जानते हो कि मुझे चीजें पता चल जाती है। ओके, तो इस बार तुम्हें क्या पता है बताओ। रेस से एक रात पहले ड्राइवर्स की मीटिंग है और इसका मतलब है कि तुम्हारे पास 45 घंटे या उससे भी कम वक्त है न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया में रेस वाली जगह पर पहुंचने के लिए। और तुम क्या चाहती हो? हमें जल्दी निकलना होगा, हमारे पास सिर्फ 45 घंटे हैं। वो 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 वो, हे हे रुको, तुम कहीं नहीं जा रही हो। तुम्हें एक राइट सीटर की जरूरत पड़ेगी और इंग्रम एक ऐसे आदमी के पास गाड़ी नहीं सौंपेगा जो जेल से छूटा हुआ है और जो अपना पैरोल छोड़ के स्टेट छोड़ने वाला है। 44 घंटे और 59 मिनट बाकी है, हमें चलना चाहिए। ओके, हम इसे पेट्रोल पंप पर छोड़कर वहां से निकल लेंगे। तू इसे भगाना चाहता है ना, ये काम मैं कर दूंगा। ठीक है, जैसा कहता जाऊं वैसा करते जाना, इसकी ऐसी हालत कर दूंगा कि निकलने के लिए हाथ पैर जोड़ेगी। मुझे तो वो पागल लगती है, बहुत ज्यादा बोलती है। कार पार्टनर होने का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर तुम्हें लगेगा कि मैं कुछ गलत कर रही हूं तो बता देना। पहली गलती, तुमने हाई हील्स पहनी है। हम इन्हें सिर्फ हील्स कहते हैं। पर अगर इसमें कोई तुमको प्रॉब्लम लगती है तो मैं जब चाहूं, मेरे बैग में एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज हैं। ठीक है चलो। और कोई चीज है जो राइट सीटर्स ने करनी चाहिए? मुंह बंद रखो। ए दोस्त, आवारा बोल रहा हूं, मैं हूं दुनिया का जबरदस्त पायलट,
और मैं तुम्हें रास्ते का हाल बताऊंगा। वैसे बता दो कि आगे थोड़ा ट्रैफिक मिलने वाला है। अगर आगे ट्रैफिक है तो हमें दूसरा रूट लेना चाहिए। मुझे तो कोई ट्रैफिक नहीं दिखता। बेनी देख सकता है और वो सब कुछ देख रहा है। ठीक है, अगले एग्जिट पर मुझे $1 दे देना। डॉलर मतलब? चलो अब लेफ्ट लो। 3, 2। बातें करो। हे हवा तुम कहाँ हो? मैं आया हूँ, मुझसे बातें करो। हे हवा तुम। देखो मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए गाड़ी तेज चलाना बहुत जरूरी है, लेकिन पागलों की तरह गाड़ी चलाकर मुझे डराकर भगाने की चाल कामयाब नहीं होने वाली। तुम्हें पूरा यकीन है? तुम्हें लगता है तुम मुझे डरा सकते हो? मेरे बारे में जो भी सोच रहे हो मुझे यकीन है कि वो गलत है। तो जो सही है वो बता दो। तो तुम सोचते हो क्योंकि मैं ऐसी गाड़ियों को बेच के अपना गुजारा करती हूँ जो हवा से बातें करती है, और मैं एक मेजराती चलाती हूँ, और मैं एक ऑसम ड्राइवर हूँ, तो तुम्हें हक मिल जाता है मुझे नीचा दिखाने का। वैसे ये तुम्हारे जिंदगी के सबसे लंबे 44 घंटे और 11 मिनट होने वाले हैं। देखो मुझे गलत मत समझना। तुम सही को बोलते हो। ये जो आदमी है ना, मोनाक नाम वाला, ये अजीब है, इसका रवैया ठीक नहीं लगता मुझे। कहते हैं वो एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता है जिन्होंने बीते वक्त में काफी माल कमाया था। और कोई नहीं जानता वो कौन है? कोई नहीं। लोग कहते हैं उसने कुछ Formula 1 टीम्स को स्पॉन्सर किया था, पर हमेशा अलग अलग नामों से सामने आया। तुम काफी मिस्टीरियस हो। मिस्टीरियस और कमजोर दिल वाला। उसने कुछ वक्त तक ड्राइव किया था, पर एक दिन उसका दिल अचानक बंद हो गया, ड्राइविंग भी बंद। तो क्या ना मिलेगा इस डेली ऑन में? वैसे बड़े जोखिम हमेशा बड़े रिवॉर्ड्स लाता है, शायद इसीलिए वहां से $60,00,000 की कार लेकर आया हूं मैं। तुम्हारे लिए तो ये काफी फायदेमंद रहा। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं आप पर दबाव नहीं डालना चाहता। देखिए एक और पार्टी ये करना चाहती है,
पर पता नहीं कि उनको लेकर मैं श्योर नहीं हूँ, मेरा दिल नहीं मान रहा। तुम्हारे यहाँ बाकी सब तो अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब तक तुमने कोई ठोस मुनाफा नहीं दिखाया। पर पिछले साल तुम्हारी डीलरशिप में अच्छा प्रॉफिट हुआ था। मैं सीधी बात करता हूँ, आपकी हाँ सुनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए। मैं भी सीधी बात करूंगा, हाँ से तुम्हारा मतलब क्या है? 50 लाख। ओके, पर तुम्हें फिर से सीक्रेट डेलियन को जीतना है और उन सारी गाड़ियों को जो उसका ही नाम है। स्टोन 417 हम टाइम पर है। जानता हूँ हम टाइम पर है, मैं बस तुझसे बात करना चाहता था यार। ऐसे ही बैठे हुए सोच रहा था, पीट को ये कितना पसंद आता ना। हाँ, उसे ये सब कितना पसंद था ना, पीट के लिए परफेक्ट। क्या सोच रहा है तू? उस दिन जो मैंने देखा वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। देख तू विक्रम मत कर, तीनों को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। बस ये मत भूल कि हम ये क्यों कर रहे हैं। मैं डिट्रॉइट जा रहा हूं, वहीं मिलते हैं। पीट के साथ जो हुआ बुरा हुआ, पीट के लिए रुका तक नहीं, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। इसका मतलब ये सब उसी के लिए हो रहा है ना? हाँ, इसी तरह ये जो गाड़ी है वो। गुड मॉर्निंग। सुन, मुझे फोन मत कर, हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। तो खिड़की के पास जा। नहीं, क्यों? आखिर मामला क्या है? तुम्हारी कार है? नहीं 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 सर, आपको पता है ना ये कार कितनी एक्सपेंसिव है। एक बार जरा इसे चला के तो दिखाओ। hey, आपने देखा कि मैं कितना तेज जा रहा था? अभी शायद मेरी स्पीड 160 या उससे ऊपर की होगी, पर ऑफिसर आपको ये कार ड्राइव करनी चाहिए। इट्स अमेजिंग, जबरदस्त है। मुझे इम्प्रेस करने में लगा। क्यों ना एक बार तुम इसे फिर से चला के दिखाओ। अभी सीरियसली बॉयफ्रेंड, मैं बस हम दोनों को जेल जाने से बचा रही हूँ। तो ठीक है, क्यों ना तुम अपने बाल सवार लो। जेल की फोटो के लिए नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें फेमस बनाने वाला हूँ। हाँ देख रहा हूँ,
ठीक है, पुलिस की चिंता मत कर, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। कार चलने पर एक तरफ झुकती है, वो हमारी प्रॉब्लम है। चलो चलो। गाड़ी का काम बाकी है। हाँ जानता हूँ, बताने के लिए थैंक यू। टोबी ने अगर इसे डेली ऑन में चलाया, जीतना तो दूर वो रेस पूरी भी नहीं कर पाएगा। वो उसमें शायद, देखो हमारे पास एक प्लान है। और इसका मतलब क्या है? मतलब हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। अब जल्दी से नीचे आ। अच्छी लगेगी। और जैकी, I've always wanted to do that. Have a nice day, you miserable bastards. My friends running the fastest Mustang in the world at De Leon on Sunday and the setup's all wrong. I'm in accounting. Oh, do you feel like you're dying inside? Yes. It's cold in here. Where's the beast? What the hell? Where are your clothes, man? You missed this? No, I didn't miss. Don't touch me, man. Stay away. We gotta go. Let's go. You missed me, didn't you? No. Finn, मेरे साथ में है। हम बीच में बैठ कर आ रहे हैं। हमारे पास टाइम नहीं है। 28 घंटों में कैलिफोर्निया पहुंचना है। समझ गया। Good morning. So why the hell are you naked? To make sure I'd never come back. I'm sure you could have done that another way. Let's be clear, though. You're not wearing my underwear. हेलो, रिपोर्टर जेम्स टोबी मार्शल से एक सवाल पूछना चाहता है। अपने को पैसेंजर की खूबसूरती को 1 से 10 में रेट करो। मेरे नए हेलीकॉप्टर की तरह, मतलब 10 out of 10। तेरे प्लेन को क्या हुआ? शहर में प्लेन अलाउड नहीं है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपने दोस्त की लोहे की चिड़िया लेके आया। अच्छी थी कि मैं ये हेलीकॉप्टर अपने साथ लेके आया। वैसे जिससे लेके आया हूँ वो मुझे बहुत घूर रहा था। ये फिर से शुरू हो गया। मैं तुझसे बात नहीं कर रहा। समझ गया लायर वन। फिन, तुझे वापस आए हुए सिर्फ 10 मिनट हुए हैं और तू अभी से मुझे पकाने लगा। अगर मेरा मूड खराब किया तो तेरी बैंड बजा। क्यों, तूने कोई बैंड बाजा ग्रुप ज्वाइन कर लिया है? बेटा, जब बैंड बजाऊंगा तब बाजा के साथ तेरी बारात निकलेगी, वो भी धूमधाम से। क्या हम कैलिफोर्निया ऐसे पहुंचने? और आपको एक बार फिर याद दिला दें कि इस वीकेंड शहर में मोटाउन मैराथन रोमियो, क्या तुम तैयार हो? है जिसके लिए सब। हाँ मैं तैयार हूँ। और अब ट्रैफिक के हाल के लिए चैनल 10 ट्रैफिक हेलीकॉप्टर में बैठे रोमियो से बात करते हैं। ट्रैफिक कैसा है रोमियो? बम 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 बम, ये रोमियो का दिमाग खराब है। बम बम बम, लुकिंग गुड बेथ, रियल गुड। कमर्शियल
कमर्शियल डालो जल्दी। ए लॉयर वन, रास्ते पर नजर रखो। ओहो, मैंने तो ये देखा ही नहीं था। भाई चार्ली, मुझे सिल्वर मस्टैंग दिख रही है, मैं पीछा कर रहा हूँ। वेस्ट की तरफ जनपदन। कॉपी सेवन चार्ली, हम उसे हाईवे 375 पर जाने से पहले रोक लेंगे। अजीब लगे, लेकिन मुझे एक टू लेन ग्रास हॉपर चाहिए ताकि लोगों से पीछा छुड़ाया जा सके। अब ग्रास हॉपर क्या है? बेहतर होगा तुम अपनी आंखें बंद कर लो। क्या ये बस 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 से भी बुरा है? ठीक है, अब उस पेड़ की तरफ बढ़ो। अब तुम भी हवा से बातें करो। मैं चलता हूँ। वो कमाल था, तुम कमाल हो, हम सब कमाल हैं। चांदे, सिल्वर मस्टैंग को आखिरी बार 375 पर देखा गया था। हमें हवाई सपोर्ट के लिए चीफ को करना होगा। चीफ को जल्दी एक हेलीकॉप्टर की जरूरत है। अनुमान है कि सिल्वर मस्टैंग हाईवे 94 से वेस्ट की तरफ जा रही है। हेलीकॉप्टर को हाईवे 94 पर ट्रैक करो। अगर उसने मुझे देख लिया तो खेल खत्म। हमें प्लान बी पर जाना होगा। प्लान बी से एक घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा। कोई चारा नहीं है, हमें कवर अप करना होगा। ठीक है, प्लान बी सही है। हम फ्यूलिंग के लिए नहीं रुक सकते हैं, इसलिए बिंगो और हॉर्क फ्यूल हमें चलते चलते ही करना होगा। फ्यूल तो हो जाए। चलो तेरी बारी है। अब आएगा ना मजा। और वो हॉट फ्यूल? हम कार को बिना रोके रिफ्यूलिंग करने वाले हैं। तो सीधे ये क्यों नहीं बोला? हाँ, वैसे मैं बोल तो सकता था, पर तक नहीं देखी। एक लड़की को गुची बूट से जज नहीं करना चाहिए। क्या? हाई हील्स। तो सीधा क्यों नहीं बोला? अच्छा, हे बीस, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। समझ गया जानेमन। सारे यूनिट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि हम एक सिल्वर कलर की कार ढूंढ रहे हैं। कार का नंबर है 4619, जो वेस्ट की तरफ जा रही है। मैं रिपीट करती हूँ, 4619। मुझे उस पुलिस हेलीकॉप्टर की रिपोर्ट चाहिए। लायर वन, तुम्हारी लोकेशन क्या है? बस अभी उड़ने ही वाला हूँ।
से एक नाटक मत कर। स्टार्ट बचाओ, स्टार्ट बचाओ। हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। जो भी मेरे यार, तुम सही सलामत हो। रेडनेक, तो हम साउथ जा रहे हैं। एडम डेविड टॉम 4619 आखिरी बार उसे हाईवे 94 से वेस्ट में जाते हुए देखा गया था। ड्राइवर का नाम टोबी मार्शल, पैरोल पर जेल से रिहा हुआ है। उसके साथ एक ब्लॉन्ड गोरी लड़की है जिसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई। कम ऑन, ये तो होना ही था। हाँ, डेट्रॉइट में तुमने स्पीड बढ़ाकर पुलिस वालों को पीछे लगाया। वो करना जरूरी था ताकि फिन मिल सके। नहीं, सिर्फ उसके लिए नहीं। बच्चों, मैं कुछ ऐसा देख रहा हूं जिस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। मतलब मेरा इनबॉक्स फुल हो गया है। मुझे कुछ ऐसे वीडियोस मिले हैं जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं एक ऐसी कार का वीडियो देख रहा हूं जो दरअसल गायब हो गई थी। ये बिल्कुल वही कार है जो फोर्ड और शेल्बी बना रहे थे जब कैरल की मौत हो गई। इसलिए मैं टोबी मार्शल को सलाम करता हूं। डीनो ब्रूस्टर फिलहाल लाइन पर है। डीनो, 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 मेरे यार, मैं जो अभी देख रहा हूं वो तुम्हें भी देखना चाहिए। मैं टोबी मार्शल का ऐसा फुटेज देख रहा हूं जिसमें वो हवा से बातें कर रहा है, पुलिस वालों से जान छुड़ा रहा है, ऐसी फोर्ड में जिसे देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। टोबी मार्शल फिर से कुछ ना समझे और लापरवाही भरा कर रहा। अभी अभी तो एक मासूम की मौत की सजा काट के आ रहा है। डीनो, डीनो, मेरे दोस्त, हे, रेसिंग में ये हादसे होते हैं। तुमसे बेहतर ये कोई नहीं जानता डीनो, याद है ना? मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि वो डी लियोन में रेस ना करे, जानते हो। बल्कि मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अपनी एलिमेंटो उसको दे सकता हूँ जो टोबी मार्शल को डी लियोन में रेस करने से रोकेगा। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। क्या तुमने अभी वाकई वही कहा जो मैंने सुना? दुनिया में ऐसी सिर्फ तीन कार है। तुम टोबी मार्शल को रोकने के लिए अपनी लैम्बोर्गिनी देने के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल, और इसके लिए मैं ऑनलाइन कुछ पिक्चर्स पोस्ट कर रहा हूँ ताकि सबको पता चल सके कि उन्हें दरअसल किस कार को रोकना है। मजा आ गया, मजा आ गया। एक तरफ कानून से भागते हुए नौजवान जैसे तैसे पुलिस से पीछा छुड़ा रहे हैं, दूसरी तरफ डीनो ब्रूस्टर जिसने अभी अभी उनका शिकार करने के लिए एक बड़ा इनाम दांव पर लगाया है। अरे वाह, मेरा टिकट की लॉटरी लग गई। लेकिन समझने वाली बात यह है कि रेसिंग एक कला है। ओके, रेसिंग एक जुनून है यार, दिल का रिश्ता है। मुझे यहाँ प्यार और बदले की गंध आ रही है, मोटर ऑयल की टपकने की बू आ रही है, बात तेज दरार मस्टैंग्स आपकी रंजिश की है। मैं नहीं जानता ये कहां तक जाएगा, बस ये जानता हूँ ये मजेदार है, एकदम चकास। उसे कॉल करो और जवाब दो। सभी मेरी कहानी जानते हैं। बोलो मोनार्क,
मैं वो ब्लॉन्ड लड़की हूँ जो टोबी मार्शल के पास बैठी हुई हूँ। अच्छा ओके। एक लड़की का कॉल आया है जो दावा करती है कि वो टोबी मार्शल के पास बैठी है। चलो जल्दी से बात करना शुरू कर दो डार्लिंग। हकीकत यह है कि जिस दिन पीट की मौत हुई थी उस दिन रेस में तीन कार थी, और जो भी कहता है कि जो भी पीट की मौत का जिम्मेदार है वो जवाब दे। कोई भला पेरोल के नियम को तोड़ के न्यूयॉर्क से क्यों भागेगा ये जानने के बावजूद कि उसे गिरफ्तार किया जाएगा अगर वो सच्चा ना हो और वो सच बताना चाहता हो। उसने अपनी सजा काटी, सारी उधारी चुकाई, फिर वो जोखिम क्यों उठाएगा? अगली बार जीनो से ये सवाल जरूर पूछना। You're welcome. मुझे ये लड़की पसंद आ गई। या, क्या बात है यार। एक बात कहूँ, वो छा गई। वाकई उसकी बात सीधा होठों से निकलकर मेरे दिल पर लगी। ये तो खानी ही पड़ेगी। मजा और बढ़ रहा है। मैं तुम पे यकीन करता हूँ लड़की। टोबी मार्शल वर्सेस टीनो ब्रूस्टर, इसको बोलते हैं एक सॉलिड मुकाबला। या, मैं समझ गया डार्लिंग, मैं समझ गया। तुम दोनों जो अभी रास्ते को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हो, वो दरअसल यहाँ कुछ साबित करने के लिए आ रहे हो। अपना पॉइंट रख लें, खुद की बात रख लें। टोबी मार्शल, दिल्लियों में तुम्हारा स्वागत है। तो सुन लो दोस्तों, दिलियों भर गया है, लेकिन अगर आप टीनो ब्रूस्टर की लैम्बोर्गिनी चाहते हैं तो आपको उस मस्टैंग का शिकार करना पड़ेगा। वाह, रेस से पहले एक रेस, क्या बात है। नेब्रास्का बॉर्डर तक तेरा रास्ता बिल्कुल साफ है। शाम ढलने वाली है तो कुछ देर के लिए मैं तुम्हें खबर नहीं दे पाऊंगा, तो हम बहुत जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। तू कहाँ है लायर वन? तेरे सिर पे लल्लो। स्पेशल डिलीवरी। अब बता दो मन कर रहा है तुझे जान से मार दूं। मेरा भी यही करता है। अब जरा इज्जत दो भाई। मुझे खुशी हुई कि तू जरा भी नहीं बदला लपेटू। भाई मुझे नहीं पता लपेटू क्या होता है, हो सकता है तुम्हारे पापा का नाम हो, ठीक है, लेकिन मेरा नाम है आवारा, हवा से बातें करने वाला। जल्दी करो, हम दो घंटे पीछे चल रहे हैं। ओके, मैं समझ गई। Thank you.
लार्ज कॉफी प्लीज. क्रीम एंड शुगर? नहीं, सिर्फ ब्लैक. नंबर 16. हाँ, मेरे को दो पैकेट दे दीजिए. क्या मिलेगा? ओके, ठीक है. दो किलो शक्कर जिले दो. मैं अभी बात नहीं कर सकती, पता है. एक्सक्यूज मी मिस, आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? क्यों नहीं, बिल्कुल पूछ सकते हो. ऑफिसर लेच्यून, बताइए मैं आपकी क्या मदद करूँ? क्या आप यहीं रहती हैं? नहीं सर, दरअसल हम यहाँ से सिर्फ गुजर रहे थे. हाँ, साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं. हमने एक्चुअली लुइसियाना से सफर शुरू किया. तो क्या वो बाहर खड़ी मस्टैंग आपकी नहीं है? मस्टैंग? आपका मतलब क्या है, कोई घोड़ा? नहीं नहीं सर. मुझे आपसे कुछ और सवाल पूछने होंगे. क्या आप बाहर मेरी गाड़ी के पास आएंगी? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. एक रूम में. ठीक है, वहाँ कोई विंडो है? मैं सेकंड फ्लोर पर हूँ. देखो, विंडो से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ. ओके. आखिरी वार्निंग है, दरवाजा खोलो. इस एरिया में कोई यूनिट है? आसपास में कोई है क्या? जंप करना होगा, कम ऑन. नहीं, मैं नहीं कूदूंगी, मुझे ऊंचाई से डर लगता है. मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, कम ऑन. नहीं, मैं नहीं कूद सकती, मुझे ऊंचाई से डर लगता है. जो भी मुझे डर लगता है. बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो और तीन तक गिनो. ओके, और फिर कूद जाना. 1 2 ओ. अटेंशन सारी यूनिट, प्लीज अलर्ट हो जाइए. एक सिल्वर मस्टैंग आएगी, उसे रोकना है. बिल्कुल. वैसे मुझे मानना पड़ेगा, तुमने जो अभी किया वहां पीछे वाकई कमाल का था. हे, क्या तुम कुछ घंटों के लिए ड्राइव करना चाहोगी? कम ऑन, आ जाओ, तुम ड्राइव कर सकती हो. मैं उधर आ जाता हूँ. ओके, आराम से, आराम से. ओके, संभल कर. ये अच्छा है, चला लोगी ना? हाँ, ठीक है. गुड गुड गुड, बहुत अच्छे.
लोग तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। नहीं, दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं। कम ऑन, ड्रिफ्ट करो अभी। नहीं, मैं हमर की तरफ जा रही हूँ, वो रास्ता छोड़ के नहीं चलाएगा। क्या कहा? ये एक शो का है जिसकी ऊंचाई ज्यादा है, हम छोटे होने के बावजूद बड़ा काम कर सकते।
अब ये क्या है? से बहुत बातें कर ली, अब लगता है जेल की हवा से बातें करनी पड़ेगी। मुझे बेस मत करना दोस्तों, मैं वापस आऊंगा। लेट पहुंचे हो। क्या आप चेक इन कर रहे हैं? नहीं, मैं बस अभी आया। लगा नहीं था तू यहां तक पहुंच पाएगा, ये तो वाकई कमाल हो गया। वैसे तेरे दिमाग में चल क्या रहा है टोबी? ये सब तेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से कैसे हुआ? मैं तो वहां था ही नहीं। तुम्हारी जानकारी के लिए उस वक्त मैं अनीता के साथ था कब्रिस्तान में। कितनी प्यारी लड़की है, मासूम। तू ये यही करना चाहता है? मत भूल तू पैरोल पर बाहर आया है, तो सिर्फ रेस कर सकता है। तुझसे मैं रेस ट्रैक पर निपट लूंगा। सच कहूं तो मुझे रेस की रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। अच्छा, तो फिर तूने अपने आदमी क्यों भेजे? कल की रेस में मजा आने वाला है। अच्छा, जब तू अपनी गाड़ी के नीचे दबकर मर रहा होगा, मैं वहीं खड़ा होकर तुझे देखूंगा। मेरी छोड़ तू अपनी सोच टोबी। कल मिलते हैं। से झगड़ा करके आ रहे हो ना, तुम्हें ये सब कुछ भुलाना होगा। अपना गुस्सा थूक दो,
मेरे हिसाब से तुम्हें निकलना चाहिए और गर्म शावर लेना चाहिए, बढ़िया खाना खाना चाहिए और थोड़ा आराम और थोड़ा खाना खाना चाहिए। और मैं तुम्हारे लिए बुक कर रही हूँ एक होटल रूम। और बेहतर होगा कि आज रात तुम भी मेरे साथ ही रुको। मेरा मतलब तुम मेरे साथ सेफ रहोगे, मैंने इसलिए कहा। है ना? हाँ। तुम भी ना जूलिया। ओके। जल्दी से उनका पता लगाओ। कहाँ है वो? ओ, कैलिफोर्निया में मिशन स्ट्रीट पर है, लेफ्ट ले। तुम ठीक हो? यहाँ पर पुलिस आने से पहले निकल जाओ। नहीं। हेलो, दिस इज इमरजेंसी, एक एक्सीडेंट की खबर आई है नॉर्थ हिल 50 पर। यूनिट वन डेविड, देखो तुम वहां जा सकते हो क्या? मुझे बताओ सिचुएशन क्या है। जल्दी से दरवाजा खोल, उन्हें अंदर बिठाना है। ठीक है ठीक है, चलो जल्दी करो, पुलिस आ रही है, हमने रेडियो पर सुना, हमें ऐसे जल्दी निकलना होगा। चलो यार, जल्दी करो। चलो चलो। तो भी तुम दोनों ठीक हो? हॉस्पिटल ले चलो, हॉस्पिटल ढूंढो जल्दी से। ठीक है, एक हॉस्पिटल मिल गया यहीं पास में, लेफ्ट ले। इसे जल्द से जल्द इमरजेंसी रूम में ले जाओ। हमें आपकी मदद चाहिए, जल्दी जल्दी जल्दी। इसका नाम क्या है? क्या ये बेहोश हो गई है? जूलिया, ये बेहोश हो गई है। चलो इसे जल्दी अंदर लेके चलो। तू इसी के साथ रह, इसका ख्याल रखना। हमें निकलना चाहिए, जल्दी करो जल्दी करो, इन्हें मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। आखिर तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती?
मौका छोड़ दिया। मुझे पता है डीनू वहां था जब मेरे भाई की मौत हुई। हाँ वो था। काश मैं तुम्हारी वो साल लौटा पाती। अनीता मुझे एक कार चाहिए। मुझे माफ कर दो टोपी। और मुझे भी। उसने इसे तबाह क्यों नहीं किया? मुझे नहीं पता। शायद कुछ लोगों को लगता है कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। का हार्ट टूट गया है। कैट स्कैन का इंतजार है। वैसे मैं बताना चाहता हूं, जैसा मैंने सोचा था तुम वैसी बिल्कुल नहीं हो। ट्रक से ठुकने के बाद हर इंसान का असली रूप सामने आ ही जाता है। कल की रेस के बारे में अब क्या करने वाले हो? मुझे एक कार मिल गई है। क्या मैं जान सकती हूँ वो कार कहाँ से मिली? नहीं, नहीं बता सकता। क्या वो तेज है? हाँ तेज तो बहुत है। तो मैं ये
तुम्हें ये पीठ के लिए करना है। बढ़िया डीलियां है, ये रेस मेरी शान है, मेरी आन और बान है, मतलब एकदम अलग। क्या मुझे एक लैपटॉप मिल सकता है? कैसी हैं आप? आपका नाम क्या है? कोई बात नहीं, लेकिन क्या आपके पास आईपैड है? कुछ काम था? हर ड्राइवर स्टार्टिंग लाइनअप पर अपनी पोजीशन लेगा। हमारे सारे रेसर्स तैयार हैं। पहले रो में है इंग्लिश पॉल बुगाटी वेरॉन और टीम अप्रूव सर अपनी लैम्बोर्गिनी एलिमेंटो में। दूसरे रो में है गूच सेलिना 7 में। टेक्सास का माइक चला रहा है अपनी मैक्लारेन। P1 तीसरे रो में है जॉनी वी GT स्पैनो में। आज दाव पर लगी है बहुत सारी महंगी कारें और हजारों हॉर्स पावर। जीतने वाला सब ले जाएगा और हारने वाले घर को निकल लेंगे। टॉबी मार्शल का अब तक कोई पता नहीं, पता नहीं उसके न आने का क्या मतलब निकल जाए। पर मैं रुक जाओ। कुछ तो हो रहा है। अभी अभी छठी कार आई है, पर ये कौन? टॉबी मार्शल अभी अभी एक लाल अकेरा से बाहर निकला है। वाह, अब वो लड़की सही कह रही थी कि पीट जिस दिन मरा उस दिन 3 कोएनिसेक्स गाड़ी थी। मेरी कार देख ही ली होगी, जल्दी पुलिस वाले भी देखेंगे। ओ, एक और बात, ये रिंग शायद तुम्हारी है। चलो।
मार्शल अपना दिमाग लगा के सलीन और P1 के बीच जगह बनाने में। मेरा दोस्त जीत रहा है। मार्शल ने सचमुच कमाल कर दिया है और वो एक दमदार आदमी है। मिक्लारन चलाने वाले टेक्सस माइक अब फिफ्थ है और टोबी अभी फोर्थ पर है। यू नो ब्रूस्टर, जरा संभल के रहना मुन्ना। रेसर्स 150 माइल्स पर आर की स्पीड पर गाड़ी भगा रहे हैं। H1 ने धीमा करने की कोशिश करेगा। सारी यूनिट ध्यान दें। पुलिस आसमान में है, रेस का मजा किरकिरा करना चाहते हैं। CHP नजर बनाए हुए हैं। पुलिस वाले अगर रेस में टकल देंगे तो रेसर्स में चढ़े, रेसर्स को रेस करने दो। पुलिस जाके सो जाओ। करेंगे। इंफॉर्मेशन के लिए शुक्रिया। बैठा गूंज इस रेस से बाहर हो गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ब्रिश बॉल फर्स्ट पर है, डीनो अभी भी सेकंड पर और टॉबी मार्शल थर्ड पर। तुम कर सकते हो। शाबाश करे दोस्त, लगा रहे। डिस्पैच, ऑफिसर्स की कार पलट गई, मुझे उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना है। आगे जो कार थी वो आउट हो गई।
ये क्या सुन रहा हूं? बुगाटी का खेल ही खत्म हो गया है यार। एक मिनट रुको, इस सब की वजह से टोबी मार्शल आगे हो गया है। यस, कम ऑन, बहुत बढ़िया, कर सकते हो दोस्त। ये क्या हो रहा है? लगे रहो। और अब सिर्फ तीन बचे हैं। वो सब के सब आगे ब्रिज की तरफ जा रहे हैं। वहीं पर पहुंच रहे हैं। ब्रिज पर आकर वो रेस का पहला पड़ाव पार करने वाले हैं। तो मेरा अच्छी बढ़त बनानी है, यकीन नहीं होता। फॉर्म किसको का? एक आम मैकेनिक अब रोडपति से करोड़पति बनने वाला है। ओए मेरा दोस्त करोड़पति बन। कमॉन, उन्हें अपने से आगे मत निकलने देना। ये तो सिर्फ ट्रेलर है बच्चों, पिक्चर तो अभी बाकी। ये सिर्फ एक रेस नहीं रही। टोबी, उसे ऐसा मत करने देना। टोबी मार्शल ने डीनो को अपने आगे निकलने दिया। बहुत बढ़िया मेरे यार। जागो टोबी, जागो और जरा सोचो, जीतो तो तुम्हारी जेब में वो लैम्बोर्गिनी होगी। मत करो टोबी, तुम उसे हरा सकते हो, मैं जानता हूं। पीट, ये तेरे लिए।
जीतने वाला है। टिलियन जीतने वाला है। माउंट किस्को का लड़का ये रेस अपने नाम करेगा। अब वो अपना टाइम लेके ये रेस जीत सकता है। मेरा दोस्त रेस जीतने वाला है। चलो हटो हटो, जगा दो। मेरा दोस्त रेस जीतने वाला है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। माउंट किस्को का रहने वाला जीतेगा। आम आदमी खास बन गया। रुको, ये क्या कर रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो? रुक क्यों रहा है की कोइनिग्सेक कार दरअसल डीनो की और पीट की मौत से जुड़ा यही वो गुमशुदा सबूत है। हाँ, अब लगता है कि डीनो अपना दोस्त अब काफी वक्त तक अंदर की हवा खाने वाला है। Sights unseen. May your love never end. And if you
need a friend. There's a seat here alongside me. वैसे दोस्तों लगता है कि अब खुद टोबी भी जेल में जाकर हवा पानी और साथ में खाना भी खाने वाला है. अब क्या कहूं टोबी, अपनी बेगुनाही साबित कर लो कुछ महीने जेल में रहकर. क्या ये जरूरी था चलो आगे बढ़ो. ड्राइव कर रही हूँ. मैंने तुम्हारी ड्राइविंग देखी है और वो खतरनाक है. चलो लवबर्ड, हमें बेनी को जेल से निकालना है. इसे अच्छे बर्ताव के लिए जल्दी छोड़ दिया है. हाँ पता चला है कि वो आजकल कैदियों को कुछ एक्सरसाइज वगैरह सिखा रहा है. तुम्हारे पास 5 घंटे हैं. मुझे ध्यान से देखना. हाँ जेल में हम लोग चक्की पीसी यार, चक्की पीसी.